हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं छोले चना की रेसिपी लेकर आई। चना मैं पहले भी बना चुकी हूँ भटूरे के साथ, लेकिन आज मैं अलग स्टाइल के छोले बना के दिखाऊंगी। उसे हम पहले प्रेशर कुकर में बॉइल करेंगे और फिर ग्रेवी में ऐड करके दिखाएंगे। इससे पहले हमने डायरेक्ट प्रेशर कुकर में बना के दिखाया था। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। छोले चना बनाने के लिए हमने पहले 250 ग्राम छोले को पूरी रात भिगा के रखा था। चना अपना फूल गया है, हमने इसे धो के एक बॉल में निकाल लिया है। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि हम एक कपड़ा लेंगे, एक कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चाय पत्ती, आपकी रेगुलर जो चाय पत्ती यूज करते हैं वही होनी चाहिए। कोई भी कंपनी का चाय हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसमें खासियत यही है कि जब हम ये चाय पत्ती को इस कपड़े में गट्ठर लगाएं तो बड़ा ही सावधानी से लगाना होता है। अगर ये पोटली चने में खुल गई तो रेसिपी अपना पूरा खराब हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, मैंने गट्ठर को कश कश के बांध लिया है और कपड़ा कॉटन का होना चाहिए। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे ये अपना छोले चना जिसे हमने रात में भिंगा लिया था। अब हम इसमें डालेंगे पर्याप्त मात्रा में पानी, यानी कि अपने चना जो है वो पूरा भीग जाना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से बॉयल होगा। अब हम इसी चने में डाल देंगे ये चाय की पोटली जो हमने बना के रखी थी, तो हम अच्छे से इसे बीच में रख देंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें 4 तेज पत्ती, थोड़ा सा हम दालचीनी स्टिक डालेंगे, यानी कि बड़ा हो तो 2 टुकड़ा डालिए, छोटा हो तो 3 कर दीजिए। 2 बड़ी वाली इलायची डालेंगे, 8 से 10 हम लौंग डालेंगे। साथ में हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हम डाल के 1 चम्मच से सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने का मतलब कि सब अंदर तक अच्छे से ये डूब जाएगा। अब हम ढक्कन को लगा के और इसे 6 से 7 भीसी तक बॉयल करेंगे। तो पहला भीसी अपना जो है वो तेज फ्लेम पे होना चाहिए और बाकी का हम 4-5 भीसी जो है मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तो हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया, गैस को ऑन कर लिया और इसे हम तेज फ्लेम पे 1 सीटी आने तक रखेंगे, फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हमने छोले में 1 सीटी तेज फ्लेम पे और 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे भरवा लिया है। गैस को हम ऑफ कर ले रहे हैं और चलते हैं मसाला की तैयारी करने। तब तक गैस अपना प्रेशर कुकर से निकल चुका रहेगा। गैस पे हमने एक कढ़ाही रख लिया है। कढ़ाही में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल यूज करेंगे क्योंकि सरसों के तेल की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, या तो छोला हो, राजमा हो या दम हो। तो सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, जिसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो निकल जाएगा। फिर हम इसमें तड़का डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, हमें फ्लेम को स्लो कर लेना है और इसमें डालना है हमें 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा को हमें अच्छे से चटकने देना है। जीरा अपना अच्छे से भून चुका है तेल में। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसे हम तेल में ऐसे छोड़ देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक भूनेंगे। ध्यान रहे सारे प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो प्याज जल्दी गल जाएगा पर गलेगा नहीं जैसे हमें गला हुआ चाहिए। तो हम ये सारे प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे ही करना है। अब देख सकते हैं हल्का सा प्याज अपना सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जिसे हमने गरगरा कूट रखा है,
और इसे भी प्याज के साथ हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। बिल्कुल लहसुन का कच्चापन चला जाना चाहिए, तो हम ऐसे भी चलाते हुए उसे भून लेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन अदरक प्याज अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े टमाटर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर में प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करने से बैचलर लोग भी आसानी से घर पे हर तरह की रेसिपी तैयार कर सकते हैं, तो मैं अक्सर ग्रेट करके ही दिखाती हूँ। टमाटर डालने के बाद हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक हमने छोला बॉयल करते टाइम ही डाला था, तो यहाँ अंदाज से डालेंगे। तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। नमक डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से टमाटर को भूनेंगे। अभी हम फ्लेम को थोड़ा तेज कर ले रहे हैं। हमने टमाटर को 2 मिनट तक भून लिया है। अब यहाँ पे हम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि छोले थोड़ा सा टेस्टी बनाना हो तो तीखा बनाना ज़रूरी होता है। और ये मिर्च तीखा वाला नहीं है, ये कलर आता है, यानी कि इसे कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। आप देख सकते हैं जब हम मसाला मिक्स किए तो कितना बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें छोले मसाला। ये मार्केट में छोले मसाला नाम से मिलता है, तो यहाँ पे हम ये भी 2 चम्मच भर भर के डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाला को भूनेंगे, यानी कि कढ़ाई अपनी तेल छोड़ दे तब तक हम मसाला को अच्छे से भूनेंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम 1/8 चम्मच पानी के छींटे मार लेंगे, लेकिन मसाला अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है। मसाला को हमने अच्छे से भून लिया है। अब चलिए अपना हम चना चेक कर लेते हैं, जिसे हमने बॉयल करके प्रेशर कुकर में रखा है। कुकर का ढक्कन खोलेंगे। आप देख सकते हैं अपना चना फूल के कितना अच्छा हो गया है। अब हम 1 चम्मच की मदद से साय की जो पोटली डाली थी उसे धीरे से निकाल लेना है और साइड में रख देना है। अब हम 1 चना आपको दिखा रहे हैं, चना कैसे गला है आपका, तो ध्यान से देखिए। दबाते हैं तो ये अच्छे से पेस हो जा रहा है। ऐसे ही हमें चना चाहिए गला हुआ। अब हम इस चने को सीधा ले चलेंगे कढ़ाही में, जहां हमने मसाला तैयार किया है। हम इसमें चना को पानी के साथ में छोड़ देंगे। हमें ये चाय वाली पानी फेंकनी नहीं है, इसी से तो स्वाद बढ़ता है और कलर भी आता है। सारे चने हम इसमें डाल देंगे। चना को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने छोले को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अभी भी अपनी ये ग्रेवी जो है गाढ़ी लग रही है, तो इसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे। अगर आपके छोले में ज़्यादा पानी हो तो पानी ऊपर से मत डालिए, आप ग्रेवी का थिकनेस चेक करके तो ही पानी डालिएगा। तो आप देख सकते हैं अभी अपनी छोले चना ना गाढ़ी है ना पतली है। हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी के छोले बनानी होती है। अब हम क्या करेंगे, कवर लगा के इसे 5 से 6 मिनट मसाले के साथ छोले को पका लेंगे। मैं यहाँ एक कवर ढक लिया और इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। हमने 5 मिनट तक छोले को मसाले में पका लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी थिकनेस देखिए, एकदम परफेक्ट अपना तैयार हुआ है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम ढेर सारा फ्रेश धनिया पत्ता। तो यहाँ पे कोई कसूरी मेथी पसंद करता है, कोई फ्रेश धनिया पसंद करता है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो डालिए, पर इसका स्वाद बढ़ जाता है।
धनिया पत्ता डालने से आप देख सकते हैं चना अपना कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इससे क्या होता है इसकी थिकनेस और बढ़ जाती है। फिर हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना छोले चना का कलर आया है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस देखिए, सब्जी का कलर देखिए, आप समझ सकते हैं इसे भटूरे के साथ, पूरी पराठे के साथ खाने में कितना टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया छोले बनाना कितना आसान है। इसे आप पूरी पराठे भटूरे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।